है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश लाई हूँ, और एक ऐसे स्वीट जिसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये स्वीट केवल फेस्टिवल में ही नहीं, लेकिन पूरे विंटर में अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के बाद, लेट्स गो। खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये अंजीर लेंगे। इसको मैंने 15 मिनट तक गर्म पानी में सॉक करके रख दिया था। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, ये खसखस है। खसखस को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। और उसमें डालेंगे पिस्ता। पिस्ता और खसखस को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर पिस्ता ले रही हूँ अभी, आप उसके साथ कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स सौते करेंगे। ये मेलन सीड्स है, उसको 1 मिनट सौते करेंगे। काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे। इसको ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सुनहरा रंग आए तब तक इसको भूनना है। इसको भी हम साइड पर निकाल लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम खजूर लिया है जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए थे, और अगर हो सके तो जो ब्लैक खजूर आता है उसी का यूज कीजिए। वो ज्यादा मशी और ज्यादा मीठा होता है, और वो इतना नरम होता है कि उसको क्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लैक खजूर लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। आप इसको मिक्सर में क्रश करके भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अंजीर के टुकड़े। अंजीर का पानी निकाल कर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, और दोनों का हम घी में सौते करेंगे। अभी मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा बाद में लेंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही सौते किया था। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे, ये धीरे धीरे बाइंड हो रहा है। अब मैशर की हेल्प से इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। परफेक्ट, देखिए ये पैन को छोड़ रहा है और मैशर के साथ ही ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसमें डालेंगे हमारे सौते किए हुए ड्राई फ्रूट्स, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए डालेंगे चॉकलेट एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन इतना मस्त लगता है। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर या फिर सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम वर्किंग सरफेस पे ले लेंगे। आप किचन टॉप पर भी ले सकते हो, या फिर कोई भी स्टील की प्लेट हो उस पर घी ग्रीस करके उसमें भी डाल सकते हो। अब इसको स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है कि मैं उसको टच कर सकूं। इसका हम रोल बनाएंगे। अगर आपके हाथ में चिपक जाए तो थोड़ा सा घी लगाकर उसके बाद रोल करना है। ये हमारे भुने हुए पिस्ता और खसखस है, उसको ऐसे फैला लेंगे और धीरे धीरे उस पर कोट करेंगे। फ्रेंड्स ये प्रोसीजर थोड़ा गर्म हो तभी करनी है, ताकि हमारे खसखस और पिस्ता अच्छे से रोल के साथ चिपक जाए। अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो इतना अच्छी तरह से वो चिपकेगा नहीं। देखिए एकदम इसको मैं कैसे भी मूव करूं, देखिए ये अच्छे से स्टिक हो गए हैं, और हमारा रोल भी एकदम यमी दिख रहा है। अब एक बटर पेपर या फिर बेकिंग पेपर के अंदर इसको हम रोल करेंगे, और फ्रीज में कम से कम 2 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको कवर अच्छे से करना है।
2 घंटे हो चुके हैं और हमारा रोल एकदम से सेट हो गया है। अब इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमें शार्प नाइफ लेनी है और नाइफ को पहले घी से ग्रीस कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसके साथ पीनट्स भी ले सकते हैं, फिर कोकोनट भी अच्छा लगता है। आप जो भी नट्स चाहो वो डाल सकते हो। तो तैयार है हमारे खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि पूरे विंटर में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसको बनाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ हेल्दी रेसिपी के साथ। टिल देन, हैप्पी दिवाली।